सीकर के नीम कथाना में एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पुलिस हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों किया ट्रैप। देखिए आवाज न्यूज 24 की खास रिपोर्ट। नीम कथाना निकटवर्ती ग्राम सिरोही निवासी संजय कुमार के मुताबिक उनके परिवार के आपसी झगड़े पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज था। मामले की जांच हेड कांस्टेबल अनिल कुमार यादव के पास थी। हेड कांस्टेबल यादव ने संजय के धारा 354 में बंद करने की धमकी देकर व मामले में मदद करने को लेकर 5,000 रुपए रिश्वत में मांगे थे, जिस पर एसीबी की टीम को शिकायत की गई थी। इससे पहले संजय ने दलालू बोधी मीणा के जरिए हेड कांस्टेबल अनिल को किश्तों में 35,000 से 40,000 रुपए भी दे चुका था। एसीबी मुख्यालय पर संपर्क करने के बाद मेरे से प्रकरण संख्या 104 105 पीएस कोतवाली नीमका थाना में आईओ अनिल कुमार द्वारा पैसों की डिमांड की जा रही है, जो अब तक मेरे से 35,000 रुपये ले चुका है, 15,000 रुपये की और डिमांड कर रहा है। इसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में मध्यस्थ दलाल मधुराम की मार्फत इनकी वार्ता हुई। वक्त सत्यापन 5,000 रुपये दिए गए। तत्पश्चात आज रेस्ट 5,000 रुपये देते हुए बोधुराम को पकड़ा। उसके बाद पकड़ने के बाद में आईओ अनिल कुमार से वार्ता कराएगी। अनिल कुमार ने बाद में पैसे लेना स्वीकार किया। कार्रवाई जारी है, दोनों को डिटेन किया हुआ है। सर मामला क्या था? ये आपसी मारपीट का प्रकरण संख्या 104 और 105 निम्न कोतवाली है।